लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को साफ सुथरा रखना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना है साल 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम समय और प्रकृति है पर्यावरण दिवस के मौके पर हम सभी को यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे और साथ ही खूब पेड़ पौधे भी लगाएंगे पर्यावरण दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा विश्व पर्यावरण दिवस हम अपने ग्रह की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं आइए हम सामूहिक रूप से वनस्पतियों और जीवों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी संभव हो वह करें हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बेहतर ग्रह छोड़ सकते हैं वहीं केंद्रीय वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट करते हुए सभी को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी उन्होंने लिखा इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हमें अपनी जैव विविधता पर गर्व है जैसा कि इस वर्ष का विषय जैव विविधता है मैं विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जावड़ेकर ने आगे लिखा विश्व पर्यावरण दिवस पर, पर पर्यावरण को लाभ पहुँचाने के लिए कुछ करें जहाँ कहीं भी संभव हो पेड़ लगाएं इससे जीवन के लिए ऑक्सीजन बैंक का निर्माण होगा इसी तरह से हम अपने वृक्षों के कवर को बढ़ा सकते हैं और अतिरिक्त कार्बन सिंक बना सकते हैं हमें पानी को बचाने पानी को रिसाइकल करने और पानी कृषि के लिए बचा कर रखने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में कभी भी हमारे पास जल संसाधनों की कोई कमी ना हो हमें बिजली बचानी चाहिए तथा सौर या पवन जैसे उपकरणों के माध्यम से बिजली पैदा करनी चाहिए ताकि हम कार्बन उत्सर्जन से बच सकें हमें कुशल विद्युत रोशनी के लिए एलईडी लिखा आज पांच जून की तिथि को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं मैं ऐसा सोचता हूं कि आज इस दिन के अवसर से ही हम पर्यावरण दिवस को मानव जाति के लिए चिंतन दिवस के रूप में अपने जीवन से अंगीकृत कर प्रकृति के अनुरूप स्वयं को ढालने के एक अवसर के रूप में स्वीकार करें धरती की प्रवृत्ति को यदि हम समझने में देर कर देंगे तो इसकी भारी कीमत हमारी भावी पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी पेड़ और पानी दोनों के मॉल को समझते हुए इस धरती को सजोना होगा अन्यथा सब कुछ खोना होगा तो आइए हम सभी अपनी प्रवृत्ति को प्रकृति से जोड़कर पर्यावरण को शुद्ध करें धरती को हरा भरा बनाएं, जल की हर बूंद के महत्व को जानें और अपनी प्रगति को प्रकृति के अनुरूप ही गतिशील बनाए क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रतिदिन पर्यावरण संरक्षण के लिए चिंतन और कार्य कर सकें क्योंकि जल एवं वायु हमारे जीवन की पल पल की आवश्यकता है